डिंडौरी जिले के करंजिया वन परिक्षेत्र में चौरा दादर गांव में महिला रेंजर समेत वन कर्मियों को वाहन से कुचलने की कोशिश करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर महिला रेंजर समेत वन कर्मियों ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की है। एसडीओपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। वहीं दूसरी ओर व्यापारी ने वन कर्मियों पर 50,000 रुपए मांगने का आरोप लगाया और न देने पर झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी। डिंडौरी पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि करंजिया टीआई के मौके पर ग्रामीणों से पूछताछ की, जिसमें व्यक्ति ने वन कर्मियों को वाहन से कुचलने का एक ऐसा मामला सामने नहीं आया है। फिर भी एसडीओपी से आगे जांच कराई जा रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य सामने आते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा होने की वजह से डिंडौरी एसपी संजय कुमार सिंह ने जांच एसडीओपी से करवाने की बात कही है। अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। कल चौरा दादर मार्केट लगा हुआ था, जहाँ पर गश्ती करते हुए समस्त स्टाफ, जिसमें वन परिक्षेत्र अधिकारी महोदया श्रीमती पुष्पा सिंह साथ में थी, जहाँ बाजार में एक व्यक्ति द्वारा लघु वनोपज हर्रा कचरिया खरीद रहा था, जिसे हम लोगों द्वारा मौके पर जाके उनसे वन मंडलाधिकारी महोदय जी का पंजीयन पेपर मांगा गया, तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरे पास पंजीयन नहीं है और हम लोगों के साथ अभद्रता व्यवहार करते हुए और झीना झपटी करते हुए हम लोगों से बदतमीजी करते हुए और तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट किया और हम लोगों को कुचलने की प्रयास करते हुए शासकीय कार में लगे वाहन को तेज़ी से टोकर मारते हुए करियर रोड गए। करियर रोड से पुनः वापस ये इस घटना की जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी, विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया था और मेरे द्वारा तत्काल इसमें थाना प्रभारी को मौके पर जाके जांच के निर्देश दिए गए थे और मौके पे जैसा बताया गया उस तरह की घटनाक्रम मौके पर टीआई के द्वारा अभी तक नहीं पाया गया है। मैंने जो संबंधित एसडीओपी है उनको भी इस घटना के संबंध में वस्तु स्थिति ज्ञात करने के लिए निर्देशित किया हुआ है और जैसे जिस प्रकार का घटनाक्रम हमें प्राप्त होगा उसके अनुसार ही विधि अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। कैसा रोक तो व्यक्ति के नाम से उस थाने क्षेत्र में पुलिस मामले में कोई आपराधिक प्रकरण है? जी नहीं, उनका कोई पुलिस का आपराधिक प्रकरण नहीं प्राप्त हुआ है। जानकारी ये लगी है कि वन विभाग का कोई प्रकरण था जिसमें वो वारंटी है और संभवतः उसकी तलाश करने में या उसकी पूछताछ करने में भी वन विभाग के साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है वो प्रतीत होता है। में जो फॉरेस्ट वाले हैं मेरे से पैसे का मांग किए और नहीं देने पे मेरे साथ विवाद में उतर गए, मेरे गाड़ी का चाबी छीनने लगे और इसके पहले पिछले हफ्ता मैं गया था वहाँ तो वो लोग मेरे से डिमांड किए थे कि यहाँ आप गल्ला खरीदते हो, हर्रा कचरिया खरीदते हो, जंगल का कोई भी आइटम आपको खर्चा देना पड़ेगा, हम लोग वसूल के मैडम को देते हैं। मैडम के नाम से मेरे से बोले मैं नहीं दिया खर्चा और बाकी बाहरी व्यापारियों को लेते हैं, दोरेला से आते हैं तो वो लोग अदर स्टेट के हैं उन लोग देते हैं। मैं तो यहीं का मध्य प्रदेश का निवासी हूं और मेरा रजिस्ट्रेशन है ये लघु वन उपज संग्रह के लिए, तो मैं नहीं दूंगा बोला। इतने में वो लोग 50,000 रुपये तक मांगने लगे मेरे।